Hello everyone, today we are going to start our next lecture in the genetics series. We'll start with population genetics. Population genetics means we have to study different variations जो भी आती हैं जीन फ्रीक्वेंसीज में या एलील फ्रीक्वेंसीज में और यू कैन से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज में एक पॉपुलेशन के मेंबर्स में कितने वेरिएशंस हैं कितने चेंजेस हैं वो हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में. बेसिकली यू कैन से वेरिएशंस इन एलील्स और जीनोटाइप्स. एलील्स की जगह हमें जीन भी दिया हो सकता है एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज भी हम चेक करते हैं. सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि मेंडेलियन एक पॉपुलेशन अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसके क्या करेक्टर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल. पॉपुलेशन में क्या क्या आपको एट्रीब्यूट्स मिलते हैं. सो एट्रीब्यूट्स ऑफ मेंडेलियन पॉपुलेशन में मेंडल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे विल शो सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या हम कहेंगे सिमिलर क्या होगा जीन अलाइनमेंट. क्योंकि पॉपुलेशन हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं ऑल द मेंबर्स विच कैन इंटरब्रीड दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज उसे आप पॉपुलेशन कहोगे. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑल मेंबर्स शेयर सेम जीन पूल. जीन पूल क्या होता है टोटल सम ऑफ ऑल एलील्स जो एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है तो उन सबका एक जीन पूल होता है और सारे उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तभी आप उसे एक पॉपुलेशन कहते हो. देन नेक्स्ट इज देयर इज फ्री जीन फ्लो. जीन फ्लो का मतलब क्या है कि उनके बीच में क्रॉसिंग भी हो रहा है माइग्रेशन भी पॉसिबल है तो एक इंडिविजुअल से दूसरे के पास जीन्स का जो फ्लो है वो पॉसिबल है सारे मेंबर्स के बीच में. इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं फ्री इंटरब्रीडिंग. मीन्स जीन्स एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्रॉसिंग हो सकता है. देन नेक्स्ट इज रैंडम मीटिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. रैंडम मीटिंग का मतलब है जिसमें कोई मीटिंग के लिए चॉइस अवेलेबल नहीं है या आप कहोगे कि जो मीटिंग है इक्वल चांसेस है मीटिंग के बिटवीन मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स. हम किसी को पर्टिकुलरली नहीं कहेंगे कि इसका मीटिंग इसके साथ ही होगा तो उसे आप कहोगे रैंडम मीटिंग. और रैंडम मीटिंग है तभी तो सारे इंडिविजुअल्स के बीच में जीन फ्लो पॉसिबल है. जीन फ्लो पॉसिबल होगा तभी सबका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा सेम होगा. नेक्स्ट करेक्टर इज द इंडिविजुअल्स विल शो वेरिएशंस. वेरिएशंस आप डीएनए और जीन लेवल पर ले सकते हो. वेरिएशंस हम किसे कहते हैं चेंजेस जो आपको एक पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में मिलता है और वो चेंजेस रिजल्ट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं बिहेवियरल भी हो सकता है रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है. आपको फिनोटाइप हम कह सकते हैं चेंजेस मिल सकते हैं जितने भी चेंजेस हैं कलेक्टिवली हम वर्ड उनके लिए क्या यूज़ करेंगे कि जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं वेरिएशंस. सो नाउ टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी. एलील फ्रीक्वेंसी को हम जीन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं. टू वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो. एलील फ्रीक्वेंसी मीन्स अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन. क्योंकि एलील में चेंज आएगा वही हमने कहा वेरिएशंस मीन डीएनए और जीन लेवल पे चेंज होता है. और या फिर हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील एट ए पर्टिकुलर लोकस इन द पॉपुलेशन. रिलेटिव मीन्स एक एलील को हम कंपेयर करेंगे विद अदर एलील्स उनके कंपेरिजन में इस एलील का कितना नंबर है कितनी फ्रीक्वेंसी है उसे आप कह दोगे उसकी एलील फ्रीक्वेंसी. देन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज जाइगोटिक फ्रीक्वेंसी. एक इंडिविजुअल की बात करेंगे यहाँ पे आप एक सिंगल एलील की बात करोगे वो डोमिनेंट एलील भी हो सकता है रिसेसिव एलील भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मेंडल. जीनोटाइप में हम ये देखेंगे कि एलील का कॉम्बिनेशन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में या टेट्राप्लॉइड में या पॉलीप्लॉइड में कैसा है उसको आप जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कहते हो. देन इट इज़ द पॉपुलेशंस जेनेटिक वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स. मतलब आप एक मेंबर की बात करोगे इंडिविजुअल की बात करेंगे इंडिविजुअल में वो पर्टिकुलर जीनोटाइप रिलेटिव टू अदर्स आपको कितना मिलता है तो हम कहेंगे उस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी इतनी है. हाउ टू कैलकुलेट एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी. तो हम फॉर्मूलाज ऐसे यूज करेंगे. अगर हमें एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमें क्या देखना है रिलेटिव इस एलील का अमाउंट कितना है और टोटल एलील्स पॉपुलेशन में कितने हैं. तो यही हमने किया नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलील्स इन ए पॉपुलेशन जिस एलील की हम बात कर रहे हैं उसकी कितनी कॉपीज प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ द एलील्स प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन. टोटल जितनी एलील्स हैं उसमें से इस एलील की कितनी कॉपीज हैं वही उस एलील का फ्रीक्वेंसी होगा. सिमिलरली जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हम मेंबर्स के लिए निकालते हैं या फिर इंडिविजुअल के लिए निकालते हैं तो यहां हम क्या कंसीडर करेंगे जीनोटाइप और इंडिविजुअल. सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद दिस जीनोटाइप जो आपको पर्टिकुलर जीनोटाइप दिया है वो कितने इंडिविजुअल्स में मिलता है वो इंडिविजुअल्स हमने यहां लिखे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. लाइक सपोज अगर मेरे पास जो जीनोटाइप्स हैं हम
एक एलील डोमिनेंट ए है, रिसेसिव स्मॉल ए. हमारे पास तीन तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटरोजाइगस, होमोजाइगस, रिसेसिव. सपोज आपको गिवन है कि इसके इंडिविजुअल्स 170 हैं, इसके इंडिविजुअल्स 300 हैं, इसके इंडिविजुअल्स 130 हैं. सपोज हमें ये गिवन है तो आपको ये बता रखा है किस जीनोटाइप का कितना नंबर है. अब मैं आपको कहती हूँ कैलकुलेट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस जीनोटाइप. कैपिटल ए, कैपिटल ए अगर जीनोटाइप है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. तो हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद दिस जीनोटाइप. ए ए के साथ कितने इंडिविजुअल्स हैं, 170, सो विल बी पुट इन द न्यूमरेटर 170. देन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे आएंगे, जब आप इन सबको प्लस कर दोगे तो आपके पास 600 टोटल इंडिविजुअल्स हैं. इसका मतलब डिवाइडेड बाय 600, जितना ये आप डिवाइड करोगे अगर आपको परसेंटेज, अदरवाइज आप इसको पॉइंट फॉर्म में निकाल सकते हो. अगर परसेंटेज पूछा है तो आप इसको इनटू 100 कर सकते हो और आपके पास रिजल्ट जो भी परसेंटेज आता है आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो भी जीनोटाइप हमें पूछा है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है. फॉर्मूला हम ऐसे ही यूज करेंगे. सिमिलरली आप एलील फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो. टू कैलकुलेट एलील फ्रीक्वेंसी, सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है, अगेन हम ले रहे हैं आपके पास कैपिटल ए और स्मॉल ए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील प्रेजेंट हैं. तो सपोज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो पॉपुलेशन साइज है वो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. एन रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. अब अगर ये पॉपुलेशन जो है वो डिप्लॉयड पॉपुलेशन है, दैट मीन्स डिप्लॉयड पॉपुलेशन को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलील्स कितने हो जाएंगे, 2 × n, क्योंकि हर इंडिविजुअल में जो एलील है वो 2 प्रेजेंट होंगे. तो 2 × n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलील्स जो भी हम ले रहे हैं वो इंडिविजुअल्स में कितनी प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब आपके पास तीन तरह के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं. एक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन कैपिटल ए कैपिटल ए, इसका मतलब जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट आपको दे रखे हैं. तो एन कैपिटल ए कैपिटल ए ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ये इतना नंबर है वो इंडिविजुअल्स जिनका जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल ए. अगर एन कैपिटल ए स्मॉल ए दिया है तो इसका मतलब ये वो इंडिविजुअल्स हैं विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, मींस हेटरोजाइगस हैं. और अगर हमें एन स्मॉल ए दिया है इसका मतलब इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप ए ए, होमोजाइगस रिसेसिव. तो ऑब्वियसली अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एन की वैल्यू कैसे निकलेगी जब आप इन सबको प्लस कर दोगे, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन में यही तीन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है. और टोटल नंबर ऑफ एलील्स निकालना होगा तो 2 × हम एन कर देंगे. सो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. अब सपोज हमारे पास एलील्स तो हमें पता है ये है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. मीन्स अगर मुझे कैपिटल ए, कैपिटल ए का जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम डिवाइड कर देंगे ए ए का कितने इंडिविजुअल्स हैं, डिवाइड बाय आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं. एन के साथ आप करोगे तो आपके पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. बट अगर मुझे एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सपोज अगर हम कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं या स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला इस तरह से यूज करना है. अगर सपोज हमारे पास कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी पूछा है, एलील फ्रीक्वेंसी में हमें कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे. जो कैपिटल ए है वो आपको पता है होमोजाइगस में प्रेजेंट हो सकता है, दूसरा किस में, हेटरोजाइगस में एक कॉपी, होमोजाइगस में 2 कॉपीज. तो इसका मतलब हमें एलील्स के लिए जहाँ भी डबल ले रहे हो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर कैपिटल ए है तो इसका मतलब ए ए वाले इंडिविजुअल्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए और ए दो बार प्रेजेंट है एलील. 2 × n a a प्लस आपके पास हेटरोजाइगस में वो एक ही बार प्रेजेंट है, तो हमने इसको तो ऐसे लिख दिया. ये हो गया नंबर ऑफ कॉपीज जो प्रेजेंट है उस एलील की, जिस एलील को आप कैलकुलेट कर रहे हो. हम ए को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए दो जगह प्रेजेंट हो सकता है हेटरोजाइगस फॉर्म में, पर वहां एक ही कॉपी होती है एलील की, तो आपने सिंपल एन का नंबर लिख लिया. और होमोजाइगस डोमिनेंट में 2 कॉपीज होती है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स. टोटल नंबर ऑफ एलील्स हमने पहले ही बताया 2n से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए. सिमिलरली अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए दिया है,
तो फॉर्मूला वही रहेगा। अब आप कॉम्बिनेशन ये देखो कि स्मॉल ए कहाँ प्रेजेंट है। स्मॉल ए आपको होमोजाइगस रिसेसिव में प्रेजेंट होगा, तो इसलिए हमने 2 × n स्मॉल ए लिया, और दूसरा वो हेटरोजाइगस में प्रेजेंट होगा तो उसकी एक ही कॉपी। फॉर्मूला सेम वही आ जाएगा, जो आपको एलील पूछा होगा आपने उसके इंडिविजुअल्स लेने, उसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की, मतलब एक इस एलील की डोमिनेंट एलील की, और सिमिलरली आप रिसेसिव एलील की भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेसिकली एलील फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हम इस तरह से कर रहे थे वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप डायरेक्टली उसमें इंडिविजुअल्स ले रहे थे, यहाँ पे आप एलील के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स ले रहे हो। इन पॉपुलेशन इकोलॉजी एवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हार्डी वेनबर्ग लॉ और मॉडल और इक्विलिब्रियम। यू कैन से हार्डी एंड वेनबर्ग वर साइंटिस्ट जिन्होंने ये मॉडल या इक्विलिब्रियम दिया था, और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं एलील फ्रीक्वेंसीज, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। सो इस लॉ को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? आपके पास कुछ कंडीशंस हैं जहाँ ये लॉ एप्लीकेबल है। वन इज सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होनी चाहिए, ऐसी पॉपुलेशन जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ आप लॉ को अप्लाई कर सकते हो। देन आपके पास जो इंडिविजुअल है वो कैसा होना चाहिए? डिप्लॉइड, या हम ये कह सकते हैं कि जिस जीन को आप कंसिडर कर रहे हो उसके दो एलील्स होनी चाहिए। टू एलील्स जनरली हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव लेते हैं, और उसके बाद जो एलील फ्रीक्वेंसीज है वो मेल एंड फीमेल में डिफर ना करें, मतलब मेल एंड फीमेल हम इक्वल कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों में एलील फ्रीक्वेंसीज सेम रहनी चाहिए। सेकेंड लास्ट इज जनरेशंस आर डिस्टिंक्ट, शुड बी डिस्टिंक्ट एंड दे शुड बी नॉन ओवरलैपिंग, मतलब आपके पास जनरेशंस ओवरलैप ना करें, हर जनरेशन अलग हो। तो ऐसा नहीं है कि इस लॉ को हम जनरेशंस नॉन ओवरलैपिंग या अगर जीन एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा हैं, तब भी अप्लाई किया जा सकता है, बट तो मैथमेटिक्स जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अभी जो हम लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशंस और कैलकुलेशंस करेंगे उसमें हम ये कंडीशंस को लेके चल रहे हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, एक जीन के दो ही एलील्स हैं, और जो जनरेशंस हैं वो कैसी हैं? डिस्टिंक्ट हैं। बट कौन सी पॉपुलेशन हार्डी वेनबर्ग लॉ को फॉलो कर रहा है, या हम कहेंगे कि वो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे है, उसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं। सो अ पॉपुलेशन विल बी एट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। ठीक है, इस केस में हमें ये देखना है कि जो पॉपुलेशन है दैट विल शो रैंडम मीटिंग, हमने पहले भी किया, और हम ये कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चॉइस ना हो, कोई इनब्रीडिंग ना हो, इनब्रीडिंग मीन्स क्लोज रिलेटिव्स के बीच में ब्रीडिंग ना हो, असॉर्टिव मेटिंग मतलब किसी पर्टिकुलर करेक्टर के बेस पे चूज करना वो भी नहीं होना चाहिए जो जनरली आपको ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलता है। तो जो मेटिंग है वो रैंडम है, दैट मीन्स वी कैन से इक्वल चांस है अपोजिट सेक्स के मेंबर्स की मेटिंग का, मेल एंड फीमेल की मेटिंग के। हम किसी भी मेंबर का अगर पॉपुलेशन में कंसिडर करते हैं तो उसका इक्वल चांस है विद मेटिंग विद मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स, रैंडम मेटिंग उसे कहेंगे। पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, अगर आप छोटा साइज लोगे तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बायस्ड होंगे, क्योंकि छोटे साइज में डिपेंड करता है आपने कौन से मेंबर्स को कंसिडर किया। जितना ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन कंसिडर करोगे उतने ही रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंट आएंगे। देन कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्स नहीं होना चाहिए उस पॉपुलेशन पे, कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, तभी आप कहोगे कि वो पॉपुलेशन जो है वो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे है। एवोल्यूशनरी फोर्सेस में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, उसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप इनको एवोल्यूशनरी फोर्सेस या नेचुरल फोर्सेस भी कह सकते हो, जो भी नेचुरल फैक्टर हैं जो एलील फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। सो ना तो नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए, ना ही कोई माइग्रेशन और जीन फ्लो होना चाहिए, म्यूटेशन हमें नहीं मिलनी चाहिए, ना ही कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसमें किसी एलील को फिक्स किया जाता है या किसी का लॉस किया जाता है। नो बॉटलनेक इफेक्ट, मतलब डिजास्टर्स की वजह से ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस हो जाए। देन फाउंडर इफेक्ट मीन्स जो एक एरिया में पॉपुलेशन स्टार्ट हो रही है उसके फाउंडिंग मेंबर्स कैसे हैं उसकी वजह से आपको एलील फ्रीक्वेंसी मिलता है, पर उसमें हमेशा साइज जो होता है वो छोटा होता है, और हमें पॉपुलेशन का साइज कैसा चाहिए? लार्ज। तो ये कंडीशंस अगर मेट होती हैं तो हम कहेंगे पॉपुलेशन विल शो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। बट एक्चुअली अगर हम नेचर में देखें तो जनरली आपको ये लॉ नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई पॉपुलेशन जिसको भी आप कंसिडर करते हो उसमें कोई ना कोई फैक्टर तो ऑपरेट कर ही रहा होगा। मे बी हो सकता है उसमें माइग्रेशन ना हो रहा बट म्यूटेशन तो हो सकती है, मे बी हो सकता है म्यूटेशन माइग्रेशन और नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो यूजुअली हमें नेचर में रेयर है कि हमें हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम किसी पॉपुलेशन में मिले, क्योंकि कोई ना कोई नेचुरल फोर्स जरूर एक्ट कर रही होती है। अगर ये सारे कंडीशंस मेट होती हैं, मीन्स पॉपुलेशन अगर ये सब कुछ शो करता है, तो हम कहेंगे कि जिस पॉपुलेशन को आप कंसिडर कर रहे हो उस पॉपुलेशन की या तो जीन या एलील, हम कह सकते हैं जीन और एलील फ्रीक्वेंसी एंड
genotype frequency will be same generation after generation, क्योंकि हम ये consider कर रहे हैं किसी और वजह से कोई change नहीं आ रहा है, कोई evolutionary force उस पर act नहीं कर रही है, तो frequency same रहेगा जो generation after generation आपको मिल सकता है. पर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम usually nature में हमें कम मिलता है, क्योंकि कोई ना कोई evolutionary force usually work कर रहा होता है. अब हार्डी वेनबर्ग लॉ या जो मॉडल है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा है और हमें जीनोटाइप एलील फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट वील स्टडी दैट. सो मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करें तो जनरली हम ये मान रहे हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी. एक जनरेशन के बाद अगर रैंडम मीटिंग हम कंसीडर कर रहे हैं हार्डी वेनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग, सपोज एक पर्टिकुलर जीन के एलील्स ए एंड ए है, तो जीनोटाइप्स क्या पॉसिबल है, हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हिट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव, और जनरली जो रेशियो होती है 1:2:1 हमें मिलता है. सपोज हम जो ए एलील है उसका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय पी, एंड स्मॉल ए एलील है उसका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय क्यू, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जनरली पी प्लस क्यू इज कंसीडर्ड 1. दैट मीन्स अगर आपको पी की वैल्यू पता है तो आप 1 माइनस करके आप दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो. पी की वैल्यू हमें पता है तो क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्यू आप ले सकते हो 1 माइनस पी, सिमिलरली p आप ले सकते हो 1 माइनस क्यू, और यू कैन से p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. अब हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो ये है p प्लस क्यू रेस्ड पावर n इक्वल्स टू 1, हम ये लेते हैं जनरली. जब आपके पास जो n है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कोलाइडी कितना है, ठीक है. तो अगर हम हेप्लॉइड कहते हैं तो हेप्लॉइड का मतलब p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 आपको मिल रहा है, डिप्लॉइड का मतलब p प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो अगर हम देखें, अगर p एक कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी है, तो अगर मुझे AA जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी देखना है तो इसको मैं लिख सकती हूँ कैपिटल AA को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय p स्क्वायर, AA को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय q स्क्वायर, और जो हेट्रोजाइगस होता है क्योंकि वो दो मिल रहे हैं तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे पी क्यू. P फॉर कैपिटल A, Q फॉर स्मॉल A, और दो आपको मिल रहे हैं 2PQ. तो आपके पास बेसिकली हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन हमें ये देता है रिजल्ट, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर. अब आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आप कैलकुलेट करो होमोजाइगस रिसेसिव कितने इंडिविजुअल्स हैं. अगर इंडिविजुअल्स पूछा है तो इसका मतलब हमें जीनोटाइप पूछा जा रहा है, और जीनोटाइप में आपको बताया होमोजाइगस रिसेसिव, इसका मतलब हमें AA इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है. AA का मतलब आप रिसेसिव को कैसे एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हम ले सकते हैं क्यू स्क्वायर. सिमिलरली अगर हमें होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा है तो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जीनोटाइप देखना है तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय क्यू स्क्वायर. और अगर मुझे सिंपली ये कहा है कि आप ये बताइए कि इस पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं, तो डिप्लॉइड अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस को हम कैरियर्स भी कह सकते हैं, कैरियर्स और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हम सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे बाय 2PQ. अगर पॉपुलेशन में आपको पी एंड क्यू की वैल्यू दे रखी है तो उसके बेसिस पे आप होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस सभी कैलकुलेट कर सकते हो. इवन आप टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो. टोटल इंडिविजुअल्स किसके बराबर होंगे, जो आपके पास AA, होमोजाइगस डोमिनेंट, रिसेसिव और हेट्रोजाइगस तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एन की वैल्यू आ जाएगी, टोटल जीनोटाइप हमें या इंडिविजुअल्स हमें पता चल जाएंगे. तो हार्डी वेनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ. बट यही आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारा जो कैलकुलेशन हमने किया वो हमने किया अगर इंडिविजुअल हमारे पास क्या गिवन है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है. बट सपोज हमें पॉलीप्लॉइड्स दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे. सपोज टेट्राप्लाइड मीन्स n इक्वल्स टू 4, अगर हमें पॉपुलेशन टेट्राप्लाइड गिवन है, टेट्राप्लाइड पॉपुलेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला p प्लस क्यू रेस्ट पावर 4 इक्वल्स टू 1 बन जाएगा. जब हम इसको इलाबोरेट करते हैं और इवन हम जीनोटाइप को भी चेक करें तो आपके पास एक वो आएगा जिसमें सभी के सभी आपको डोमिनेंट मिलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट. 4A है हमारे पास तो p रेस्ट पावर 4 हो गया. यहाँ पे आपके पास 3 कैपिटल A सेकेंड कॉम्बिनेशन हमने ले लिया और एक स्मॉल A, तो 3 पी क्यूब हो गया और क्यू ए स्मॉल A के लिए आपके पास क्यू आ गया. ये हमें 4 मिलते हैं ऐसे जीनोटाइप्स. देन कैपिटल A स्मॉल A स्मॉल A, तो आपके पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 6 हमें मिलते हैं इसके. देन 4PQ क्यूब, कैपिटल A एक ही है तो P आपने एक ही लिया, 3 स्मॉल A है तो Q Q
क्यूब हो गया, और एक जिसमें सभी होमोजाइगस रिसेसिव लोगे तो क्यू रेस्ट बार 4। तो यहाँ से आपसे किसी भी पर्टिकुलर जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप अगर टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म दिया है तो हम ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं।